फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त इलेक्शन चल रहे हो, आज इलेक्शन का डेट है। सभी लोग वोट देने के लिए, अपना मत देने के लिए, किसे जिताना चाहिए उसके लिए वोट देने के लिए आए हैं। आज हम कवर कर रहे हैं मालवनी 8 नंबर MHB कॉलोनी, गेट नंबर 7 MHB स्कूल। इसके अलावा साथ साथ में हमने देखा माउंट मैरी स्कूल में हमें कुछ स्पेशल देखने को मिला। यहाँ पे ऐसे 8 से 10 लोग मिले जिन्होंने वोट देने के लिए जो शाम को आए थे उनका वोट सुबह ही हो चुका था। ऐसे 8-10 लोग होने का मीनिंग होता है कि कई लोगों का बोकस वोट यहाँ से वहाँ होता है। हमें कांग्रेस पार्टी के दिखाई दिए सलीम अलमेलकर सलमा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, यहाँ की नगर सेवी एक्स, ये भी वहाँ पे वोट देते हुए हमें दिखाई दिए 8 नंबर पर। प्लस 7 नंबर पर हमें मिले समाजवादी पार्टी के सादिक पठान, जो कि अपनी फैमिली के साथ वोट देने आए हुए थे। साथ साथ में हमने उनसे जब बातचीत की तो उनको किसी का कॉल आया जो कि कन्विंस कर रहे थे पंजे को वोट देने के लिए। बीजेपी पार्टी के कई कमियों को भी वो सामने गिनवा रहे थे फ़ोन पर, जो कन्विंस कर रहे थे कि पंजे को वोट देना है। इस तरह से उनके शब्द है कि पंजे को वोट देना है। साथ साथ में हम आगे आते हैं तो आगे जब हम जाते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर माउंट मैरी स्कूल मालवनी 6 नंबर। यहाँ पर हसन करके एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे 8 से 10 लोग हैं जो कि उनका बोगस वोट आया है। वोटिंग पहले हो चुका है लेकिन जो असली व्यक्ति है वो अभी वोट देने के लिए आया है। उन्होंने अपने सीनियर विनोद शेलर, जो कि बीजेपी से, उनको बुलाया। वहाँ पे बूथ पे काफ़ी हंगामा हुआ। आइए देखते हैं वीडियो कि किस तरह पे वहाँ पे हंगामा हुआ। सादिक पठान, साथ साथ में बीजेपी विनोद शेलार, सलीम अलमेलकर सलमा अलमेलकर जी हैं जो कि वार्ड नगर सेविका हैं 48 की, उनसे भी हमने बातचीत की। दिखाते हैं सारी वीडियो। इसके अलावा हमने मलाड़ प्रेसिडेंट बीजेपी के सुनील कोहली जी हैं, वो भी अपनी टीम के साथ 7 नंबर पे आए थे यही सब देखने के लिए कि ऐसा कुछ तो वहाँ पे नहीं हो रहा। उनसे भी हमारी टीम ने बातचीत किया। बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दायदा बादशाह खान है और हमने बहुत दुआ की यहाँ पे कांग्रेस आए और हर जगह कांग्रेस आए। हम ये चाहते हैं दुआ में हमारी कितना असर है देखेंगे इंशाल्लाह, ये बार जरूर कांग्रेस हर जगह से आएगी। ओके, आप दुआ कर रहे हो कांग्रेस जीते? कांग्रेस को हर पूरा रमजान में मैंने रोजा रख के नमाज पढ़ के दुआ की इंशाल्लाह ताला हर जगह से ये परचम लहराएगा कि कांग्रेस ही आएगी। तो आज का इलेक्शन जो है वो लोगों का हक है, अपने घर से निकल के वोट डाले मैं अपील करता हूँ। क्योंकि देखो, 5 साल रोने से अच्छा है एक दिन तकलीफ ले लो, तकलीफ लेके वोट डालो। जिसको दिल करता है, जो अपना काम करता है उसी को वोट डालो। आपने किसको दिया? मैं नहीं बता सकता। ओके। हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही इस भारत देश में है और ये विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही होने के कारण आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं, उसमें से ये 5वां फेज का यहाँ चुनाव है और आप देखेंगे लोगों में कितना उत्साह है, लोगों में कितना जोश है। लोग उमर उमर के आ रहे हैं और यहाँ वोटिंग के लिए उतरे हैं। यही भारतीय संस्कृति का और भारत के संपूर्ण देश का एक सभी के लिए मिसाल है कि ये लोकशाही का पर्व, लोग पूरा आनंद ले रहे हैं और भर भर के वोट देने के लिए आ गए। जैसे कि सर, ये मलाड़ का मालवनी एरिया है, यहाँ पर जो वोटर्स बीजेपी के लिए है उनकी परसेंटेज कम है, यहाँ पर कांग्रेस के लिए ज्यादा होती है, इसकी क्या वजह आप बता सकते हैं? देखिए, ये सब जो वोटर्स है वो वोटर्स बहुत जानकारी वाले वोटर्स है और आज के वोटर्स काफी शिक्षित वोटर्स है और उनको वोटर्स लोगों को मालूम है कि पिछले 10 साल में हिंदुस्तान का किस तरह विकास हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान का विकास हो गया है वो दुनिया में हिंदुस्तान आज सबसे टॉप पे है और लोगों को कोई जाति भेद नहीं करना है। मुस्लिम लोगों को भी चाहिए, क्या हमारी खास करके मुस्लिम बहनें हैं उनका आज जो 3 तलाक का विषय था वो समाप्त हुआ है, वो काफी मोदी जी से खुश है। माहौल देखकर आज जो लोगों में उत्साह है, जो मालवनी जैसे जगह पे इतने तादाद में लोग निकल रहे हैं, लोगों को देश का विकास नजर आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा वो लोग अपने समय निकाल कर और पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। 8 नंबर पे जाओ, स्लिप निकाल लिए। हाँ, जितने तुम्हारे लोग हैं सब पंजे पे वोट।
जानों जा करके पंजे को जाने की कोशिश करो, जिससे तुम भी और बाकी के लोगों को भी बोलो। हाँ, जितने लोग हैं सब जा करके सिर्फ कुछ नहीं सोचने का, पंजे पे जाके बटन दबाओ, दो नंबर का बटन, दो नंबर का बटन। देखो मैं 6 बजे से लगा हुआ था, सब लोगों को निकाल निकाल के स्लिप भी लगा निकाल के दिया, यदि आपका फ़ोन नहीं आया तो आपको भी स्लिप निकाल के देता। और बाकी भाग रहा था मैं, लाइन कहाँ लगाना है, कहाँ डालना है, वो सब मैं लगा लगा के दे रहा था। मैं थक गया, मैं बैठ गया एक जगह आके। तो अभी आप क्या करिए, आप इतने लोगों के सब में जा करके दो नंबर का बटन, पंजे का बटन दबा दीजिए और वहाँ थोड़ा खड़े रहना। वहाँ बाजू में डब्बा है, उसमें देखना कौन सी स्लिप गिर रही है, पंजे की गिर रही है क्या, ठीक है। हो गया, पंजे की स्लिप नीचे गिर गई तो आ जाने का बाहर, ठीक है। एवढं तुम्ही आपके सामने काय म्हणतोय का, तुम्ही गडबड एवढा का बाहेर थांबवताय, तोच विषय घ्या, गडब पास घ्या, पास घ्या, फास्ट बसून आहे का कोण बघा, सगळ्यांचे हात चालू। सकाळपासून आम्ही पण सकाळी 4 वाजल्यापासून अजून जेवण आहे साहेब, आम्ही पण नाही जेवलो, म्हणून की असं आहे कहाँ पड़ेगा, किधर? 33, ये 34 है। हाँ तो 33 हो गएगा, देखो यही है, ये 34 लिखा है यहाँ पे, देखो कितना नंबर है, ये 33 है। ढाई घंटे हो गया, तो 10-10 मिनट तो कम से कम वेट कराया ना, उनको आते एकदम डाल रहे हैं। आप लोग तो लगा आप घंटे कुछ भी बाहर लेके इस वक्त हम मौजूद है मलाड में मालवनी गायकवाड़ नगर, यहाँ पर हमारे साथ वार्ड 48 की एक्स नगर सेविका में सलमान मिलकर जी है। उनसे जानते हैं कि ये वोट का माहौल बताएंगे कि कैसा है। मेहमान बताइए कि आज क्यों वोटिंग का माहौल है, किस तरह चल रहा है? यहाँ बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, आम लोग आम करता है, आम लोग हमारे रोजगार के लिए आपने वोट दिया? हाँ ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं शर्मा मैडम ने वोट दिए, लेकिन आप क्या चाहते हो जनता से, क्या अपील करोगे जनता से? वही अपील अपना हाथ। अरे भाई हटो ना, आप चलते आप हमारे साथ जिसने सलीम अमेरिका जी भी है, उनसे भी जानेंगे कि हम के इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है और ये क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है माउंट मैरी स्कूल के पास, यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं विनोद शैलार जी, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल कैसा है। आपने क्या देखा सर, इलेक्शन का माहौल कैसा है इस वक्त में? इलेक्शन लोग तो बहुत अच्छी तरह वोटिंग कर रहे हैं जी। और मैं देख रहा हूँ उत्तर मुंबई में वोटर का सैलाब आ गया, सुबह 6:30 बजे से लोग लाइन में खड़े,
मैंने अभी सुना कांदिवली बोरिवली में तो बाढ़ ही आ गई है, यहाँ पर भी उसी तरह का माहौल है। लेकिन साथ में दुख ये भी है, बीजेपी तो यहाँ की सीट बीजेपी की तो पक्की है ही, मार्जिन तय करना बाकी है। और मार्जिन की जो स्पर्धा है वो हमारी विपक्ष से नहीं है, हमारी खुद के साथ है। लास्ट टाइम हम 4,65,000 के मार्जिन से जीते थे। ये टाइम यहाँ पर आपने दौरा में क्या देखा? इस दौरा में देख रहे हैं यहाँ पे बोगस वोटिंग बहुत हो रहा है। ये मैं इधर खड़ा है माउंट मेरी स्कूल में, मेरे पास अब भी 8 केस है। जैसे जैसे बोला तो अभी वो बेटी कहाँ थी उसको बुलाओ जरा, अब रुको। तो कोई आके वोट करके जा रहा है जी। दूसरा में रियल आदमी आता है तो उसकी उसको अंदर लेते नहीं है, वो शिकायत करता है, हमारे कार्यकर्ता उधर जाते हैं तो पुलिस उनको बसा ले रही है। फिर मैं अभी आया इधर, ये शिकायत सुनने के बाद मुझे आना पड़ा। ये बोगस वोटिंग का जो सिलसिला, ये मालवनी की जो विरासत है, यहाँ के कांग्रेसी नेतृत्व ने दी है, जिसकी वजह से बोगस वोटिंग हो रहा है और हम उसका निषेध करते हैं। अभी इधर के नेता आपने एक्शन लेते हुए क्या किया? अभी टेंडर वोट का प्रोसीजर तो चालू करवाया है, वो भी नहीं चालू किया था। अरे मैंने हंगामा किया है और इधर का वो झेड़ो उसको फोन कर रहा हूँ, अगर फोन नहीं उठाएंगे जगह पे नहीं मिलेंगे, अगर बोगस वोटिंग चलता रहेगा तो कांग्रेस क्या चाहती है? बोगस वोट करके जीते, कितने बोगस वोट करोगे? बीजेपी का मार्जिन 4.5 लाख लास्ट ईयर 4,65,000 था, अभी ये मोर देन 5.25 लाख जाने वाला। क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।